नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल संपलेव में। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें आपको मैं चींटियों को गार्डन से भगाने का उपाय बताऊंगी और इसके साथ ही साथ आपको मैं अपने गुड़हल के प्लांट का, जो कि मैंने ये हिबिस्कस प्लांट को रिपोर्ट किया था, एक्चुअली इसको तो दो बार रिपोर्ट किया बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी जल्दी से बारिश आई, दो बार ये गमला टूटा, दो बार इसको मैंने रिपोर्ट किया, ये इसका मतलब अपडेट दूंगी। इसके साथ ही साथ वाइट फ्लाइज, जो कि पत्तों के पीछे छोटे छोटे से वाइट कलर के बिल्कुल महीन महीन से कीड़े हो जाते हैं, उनसे बचने का भी उपाय बताऊँगी और बिल्कुल आसान उपाय बताऊँगी जो कि हम लोग घर में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक बताऊँगी और सिर्फ बताऊंगी ही नहीं, आपको मैं अपडेट भी दे रही हूँ। तो आज है 17th May, ठीक है, 17th May है और मॉर्निंग के इस समय जो है 8:30 हो रहा है, तो ऐसे बस 8:30 वाला टाइम है, उसी के आसपास का है। तो ये देखिए, मैंने 16th May को, मतलब एक दिन पहले, कल ये सारी चीज़ें यूज़ की थी और आज आप देखिए यहाँ पर एक भी चींटी नहीं है। और हाँ, मैंने कोई भी चींटी को मारा नहीं है, मुझे मारना नहीं है, मुझे सिर्फ भगाना है। मारने का मुझे ना तो कोई इच्छा है ना कोई हक है, हम मार नहीं सकते, तो मारा नहीं है, भगा दिया है। और सब चीज़ें आज मैं आपको सारे अपडेट दूंगी, सारा रिज़ल्ट भी। तो ये देखिए, आज की डेट में इसमें यहाँ पर एक भी चींटी नहीं है और ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि इसका मैंने रिपोर्टिंग किया था, तो इसको मैंने शेड में रखा हुआ था, ठीक है। अब करीब एक हफ्ता हो गया है, अब इसकी ग्रोथ इसमें अच्छी शुरू हो गई है, इसको अब मैं बाहर छत पे रख दूँगी और इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे मॉर्निंग वाली 4 घंटे की सनलाइट मिले, ऐसी जगह पे रखूँगी। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, ठीक है। इसको मैंने कैसे रिपोर्ट किया था, इसका गमला टूटा था, वो सारा वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत आंधी इस बार बहुत देख रहे हैं ना, सब तरफ बर्ड्स निकली हुई हैं, प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। अब आपको चलिए मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी कीड़ा, कोई भी मिलीबग, कुछ भी, ये सब कब लगते हैं, तब लगते हैं जब प्लांट बहुत वीक होता है। अब मेरा ये गुड़हल का प्लांट तो कोई वीक नहीं है, है तो इतना बड़ा 5 साल पुराना प्लांट है, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट किया तो भाई क्या होगा, रिपोर्ट करने के बाद तो वैसे भी उसकी मैंने बहुत सारी कटिंग कर दी थी, रूट्स को बहुत काट दिया था, सब कर दिया था, तो प्लांट तो वैसे भी शॉक में था, तो बस चींटियों को बिल्कुल मौका मिल गया अपना उसकी ट्रंक, मतलब उसकी जो तने के अंदर वो घुस करके उसके अंदर जो है वो खोखला कर रही थी। और अब आपको ये देखिए, ये मेरा पॉइनसेटिया का प्लांट है, इस पॉइनसेटिया के प्लांट में मैंने स्प्रे किया है और आप देखिए इसमें एक भी वाइट फ्लाइज नहीं है, बिल्कुल साफ क्लीन हो गया है। तो ये सारे प्लांट चूँकि शेड में रखे हुए हैं, गर्मी बहुत है, 17 मई का मतलब इस समय बिल्कुल पीक पे गर्मी इस समय होने लगती है, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो हमें सारे प्लांट्स को एक जगह ऐसे रखना पड़ता है सबको। तो क्या करा करिए ना कि ऐसा नहीं है कि जिस प्लांट में आपको प्रॉब्लम लगे बस आप उसी में स्प्रे करिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये एक दिन पहले का है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सारे प्लांट में स्प्रे कर दिया करिए, हर 10-15 दिन में कर दिया करिए, क्योंकि एक एक प्लांट से हमने वाइट फ्लाइज को हटाया, वो वाइट फ्लाइज क्या होगा ना, उड़ के दूसरी जगह, दूसरे प्लांट में अपना घर बना लेंगी। तो रेगुलरली जो है आप उसको करते रहा करिए स्प्रे। ये देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत चींटियाँ थी, मतलब पूरा भर गया था एकदम, इन लोगों ने इसके अंदर घुस के और पूरा घर ही बना रही थी अपना, इनको अच्छा खासा प्लांट एकदम मिल गया था। मैंने लिया है 3 चम्मच हल्दी ले लिया है और 2 चम्मच मैंने लिया है वुड ऐश, लकड़ी की राख, ठीक है।
इन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम मेरे पास राख नहीं है तो उसके बदले मैं क्या करूँ, तो वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी कि अगर आपके पास राख नहीं है तो आप क्या करें। ठीक है, हल्दी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए ये कहाँ से लाइन बना के चली जा रही है ना, बड़े लाइन बना के ही जा रही है ना, और गमले के नीचे हैं जहाँ इनको नमी मिलती है इनके वहीं पे। ये देखिए इनका जो बिल है, अब मैं थोड़ा सा आटा लेके आई हूँ, गेहूँ का आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, तो मैंने वहाँ पे इनके बिल में डाल दिया है। और ये भैया वहीं पे चली जाएंगी, वहीं पे खुश रहेंगी और वो भी खुश रहेंगी और मेरा प्लांट भी खुश रहेगा। बिल्कुल इसके अंदर पूरा पूरा इसके अंदर भर रही थी। ठीक है, अच्छा अब ये बचा हुआ है, इसका क्या करना है, इसका जो है इसमें मैं थोड़ा सा पानी भर रही हूँ, थोड़ा ही भरूँगी, ज़्यादा नहीं भरूँगी, इतना भरूँगी कि मैं मुझे जो है स्प्रे करना है। ये देखिए ये सब जगह पे है ना। अब यहाँ पे तो मैं या तो ये है एक तरीका कि आप थोड़ा सा इसका पेस्ट बना के इस जगह पे लगा दें, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी जो मेरा ये हल्दी और राख का जो मैंने लिया हुआ है पाउडर, उसमें मैं पानी भर के रख दूँगी। और पानी भर के रखने के बाद शाम को आपको मैं मतलब इवनिंग में स्प्रे करूँगी। कोई भी स्प्रे करने का टाइम ना शाम का ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि ये प्लांट मेरा शेड में ही रखा हुआ है, तो चलिए मैं पानी भर देती हूँ, ज़्यादा नहीं भरना है। अच्छा, जो धूप में नहीं रखिएगा, शेड में ही रखिएगा। तो वुड ऐश बहुत अच्छी होती है, कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए ये अभी मैंने स्प्रे किया नहीं है और मैं बहुत क्लोज से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पे एक तो मोबाइल भी है, तो इसमें ना पीछे बहुत सारे वाइट फ्लाइज हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही टाइनीज होते हैं, वो ऐसे एकदम से दूर से नहीं दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और दोस्तों एक बात बताऊँ, ये देखिए अब ये शाम का टाइम है और यहाँ पर इस समय एक भी चींटी नहीं है। अब क्या है कि मुझे पानी भी देना है, क्योंकि मिट्टी सूख गई है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए चींटियाँ खूब आ गई हैं, देखा अपने, मैंने सब उनको उधर इंगेज कर दिया, वो उधर इंगेज है और मेरा प्लांट भी सेफ है। तो आटा मैंने डाल ही दिया था उधर, अब मुझे पानी भी देना है इस प्लांट में, क्योंकि प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया है तो उसकी केयर भी करनी ज़रूरी है। तो शाम तक मैंने जैसे इसको रख दिया था, अब इसको छान लेंगे, क्योंकि नीचे राख है थोड़ी बहुत, वो जम गई है नीचे की ओर बैठ गई है। थोड़ा सा पानी लेके इसमें पानी डाइल्यूट करना ही है, थोड़ा सा ऐसे करके छान के और पानी इसमें मिक्स करके अब हम लोग इसको इससे करेंगे स्प्रे। ठीक है, स्प्रे आप अपना हर 10-15 दिन में एक बार अपना कर दीजिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हर तरीके के प्लांट पे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके बाद चलिए मैं इसमें भर लेती हूँ। पहले राख जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, कीड़े मकोड़ों के लिए तो अच्छी होती है, और पोटाश भी होता है, काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों के हिसाब से हम इसको मिट्टी में ऐसे प्लांट पे नहीं डाल सकते जिनको कि एसिडिक सॉइल पसंद होती है, जैसे कि आपका ये हिबिस्कस है, हम इसको मिट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, या गुलाब हो गया है ना, या टमाटर हो गया, बेरीज, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब सब तरीके से मैंने स्प्रे कर दिया और ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले की है और आपको मैंने इसका रिज़ल्ट भी दिखा दिया है। तो भाई ये शाम का टाइम है और अब शाम हो गई है, और जितने भी मेरे ये सारे प्लांट हैं, क्योंकि मैंने सबको सटा के इसलिए भी रखा है ना, आंधी बहुत आ रही है, तो सारे गमलों को ये ऐसे फंसा दिया है कि गिरेंगे ही नहीं। तो उस क्योंकि दो गमले मेरे टूट चुके, इसलिए मैं अब कोई गमला नहीं टूटने दूंगी मैं, तो इसलिए प्लांट में पेस्टिसाइड ये सारी चीज़ें यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। और अभी तो हम ये सारे चीज़ें बचा ले जाएंगे दोस्तों, आप बरसात में ये सारी प्रॉब्लम और होती है, तो आप अभी से ही इनकी इम्यूनिटी को, इनकी मिट्टी को इतनी मजबूत कर दीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो भैया मेरा ये देखिए शाम को जो है गजानिया खिला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, और बिल्कुल रात हो गई है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास राख नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर, या दालचीनी पाउडर नहीं है तो दालचीनी स्टिक है, स्टिक को घोल करके उसको पानी में भिगा करके उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। दालचीनी बहुत अच्छी होती है, हमारे किचन में मिल जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप अच्छा वीडियो देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन होता है। तो बाय, थैंक यू।